नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक हमने सीखा कि फिंगर की हेल्प से हम डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम फिंगर्स की हेल्प से डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएँ। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम फिंगर्स या एबेकस की हेल्प से हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 2 1 1 5, आंसर है हमारा 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2 2 फिंगर ओपन की 4, लेकिन हमारे पास क्या 4 फिंगर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है ओनली 2 फिंगर्स एंड थंब जिसकी वैल्यू है 5। तो इस तरीके के फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए हमें एबेकस पर कुछ फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। इन फॉर्मूले को हम स्मॉल फ्रेंड, वीक फ्रेंड एंड कॉम्बिनेशंस के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे कि स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले क्या होते हैं और फिंगर एबेकस में हम इनको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। स्मॉल फ्रेंड हम उन दो नंबर्स को बोलते हैं जिनको ऐड करने पर हमें 5 मिलता है। जैसे हमारा नंबर है 1 तो उसका स्मॉल फ्रेंड होता है 4, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है 5। उसी प्रकार से 2 अगर नंबर है तो उसका स्मॉल फ्रेंड होता है 3, 2 + 3 = 5 होता है। 3 + 2 = 5, तो 3 का फ्रेंड कौन हुआ 2। 4 + 1 = 5 होता है, तो 4 का फ्रेंड हुआ 1। हमको ऐड करना है 1, तो हमारा स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला 1 को ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 4 = होता है 5। अगर हमको 1 ऐड करना है तो 1 के लिए हो जाएगा हमारा 1 = 5। 4 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा -4। तो हमें जब भी ऐड करना है 1 तो हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे और जो 1 का फ्रेंड है उसको हम माइनस करेंगे। इसी प्रकार से 2 2 + 3 = होता है 5। अगर हमें 2 ऐड करना है तो 5 - 3, 2 ऐड करने के लिए हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा, जो भी 2 का फ्रेंड है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 3 + 2 = होता है 5। अगर हमें 3 ऐड करना है तो 5 को ऐड करना पड़ेगा, 3 के फ्रेंड को माइनस करना पड़ेगा। 4 + 1 = 5, अगर हमें 4 को ऐड करना है तो हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा और 4 के फ्रेंड को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे ये हो गया हमारे स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले एडिशन के केस में। 1 को ऐड करने के लिए 5 को ऐड करेंगे और 1 के फ्रेंड को माइनस, 2 को ऐड करने के लिए 5 को ऐड करेंगे, 2 का फ्रेंड 3 होता है, 3 को माइनस, 3 को ऐड करने के लिए हम 5 को ऐड करेंगे और 3 का फ्रेंड होता है 2, तो 2 को माइनस करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 4 ऐड करना है, 4 को ऐड करने के लिए हम 5 को ऐड करेंगे एंड 4 का फ्रेंड होता है 1, उसको हम माइनस करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये फॉर्मूले हैं इनको हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे फिंगर एबेकस पर। 2 2 4, अभी हमारे पास 4 नहीं है तो 4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1, +2 + 1, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 + 2, +3 करना है तो +3 जब भी करना है तो +5 करेंगे, 3 का फ्रेंड होता है 2, तो -2, +2, आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 + 4, अभी हमारे पास क्या 4 फिंगर अवेलेबल नहीं है तो 4 का फ्रेंड होता है 1, तो +5 - 1, +1 + 1, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 + 3 + 3 3 फिंगर्स अवेलेबल नहीं है तो 3 का फ्रेंड होता है 2, तो +5 - 2, +2 + 1, आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 1 2 1, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 + 2, अब हमारे पास 2 नहीं है तो 2 का फ्रेंड होता है 3, तो 3 माइनस करेंगे, +5 + 1 + 1, आंसर इज 7।
नेक्स्ट एग्जांपल 4 + 1 करना है, प्लस वन का, वन का फ्रेंड होता है 4, तो +5 - 4 +1 + 1 आंसर इज 7। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3 + 1 + 1 +1 करने के लिए हम करेंगे +5, वन का फ्रेंड होता है 4 - 4 + 2 आंसर इज 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।